हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं काजोल। तो चलिए आज आपको टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सुपर हिट शो की कहानियां बताने जा रहे हैं। आखिर आपका चहेता सितारा क्या कर रहा है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, आज हम इस शो में वही आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुपरहिट शो अनुपमा से। जी हाँ, टीवी के सुपरहिट शो अनुपमा में इस समय जमकर हंगामा मचा हुआ है। शो की कहानी वनराज और अनुपमा की बेटी पाखी स्वीटी के इर्द गिर्द घूम रही है। पाखी अपने बॉयफ्रेंड अधिक के लिए पूरे परिवार के खिलाफ चली गई है। अनुपमा चाह कर भी बेटी को समझा नहीं पा रही। अब शो में इस हफ्ते नया ट्विस्ट आएगा जब अनुज पर जानलेवा हमला होगा और बरखा का भंडाफोड़ होने वाला है। हम आपको अनुपमा के अगले एपिसोड की सभी अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। शो में वनराज की भूमिका में सुधांशु पांडे हैं, अनुज कपाड़िया गौरव खन्ना बने हैं और रूपाली गांगुली अनुपमा का रोल प्ले कर रही हैं। अब तक दर्शकों ने देखा कि कैसे अधिक बरखा को अपना पूरा प्लान बताता है और दोनों मिलकर शाह परिवार के खिलाफ धरना या मोर्चा खोल देते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं। वहीं वनराज पाखी पर नजर रखना शुरू कर देता है। पाखी और अधिक की कहानी के बीच अनुज पर जानलेवा हमला होने वाला है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक कैफेटेरिया में अनुपमा और अनुज बैठे हैं कि तभी जो कैफेटेरिया का शीशा है वो अनुज के ऊपर गिर जाता है। आगे क्या होगा आप खुद ही देख लीजिएगा। टीवी की मशहूर अभिनेत्री मृणाल देशराज अब सिंगल से मिंगल हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने बॉयफ्रेंड आशिम मथन के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। उनकी शादी काफी प्राइवेट तरीके से हुई जिसकी भनक किसी को भी नहीं पड़ी। यही नहीं, अभिनेत्री तो रिसेप्शन भी प्राइवेट तरीके से करने की प्लानिंग कर रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादी के बारे में बात की। पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में मृणाल ने खुलासा किया है कि वो शादी के बंधन में बन चुकी हैं। उन्होंने कहा, मैंने शादी कर ली है, ये गुपचुप मामला था, मेरा रिसेप्शन है और उससे पहले मेहंदी और बाकी की रस्में भी होंगी। रिसेप्शन भी एक प्राइवेट अफेयर होगा। बता दें कि कुछ समय पहले ही उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 9 जून 2022 को उन्होंने आशिम से सगाई कर ली है। टीवी की कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने छोटे पर्दों पर तो आदर्श बहू और आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई, लेकिन रियल लाइफ में वो इस छवि को कामयाब रखने में कायम नहीं हो पाई। इस लिस्ट में रुबीना दिलैक का नाम भी शामिल है। रुबीना दिलैक ने अभिनव शुक्ला से 2018 में शादी की थी, लेकिन इनकी शादी और प्यार की गाड़ी अब जाकर ट्रैक पर आई है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि दोनों के रिश्ते में जब तलाक तक की नौबत आ गई थी। बता दें कि जी टीवी के शो छोटी बहू में अभिनव शुक्ला संग रुबीना दिलैक ने काम किया था। हालांकि शो के दौरान दोनों के बीच बातें नहीं होती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सालों बाद दोनों एक दूसरे से फिर टकराए और इनके बीच प्यार की शुरुआत हो गई। इसी दौरान अविनाश सचदेवा संग रुबीना दिलैक का ब्रेकअप हुआ था और उनका दिल टूट गया था। अब इसी टूटे दिल के साथ रुबीना की मुलाकात अभिनव से हुई तो उन्होंने एक्ट्रेस को सहारा दिया। पहली नजर में दोनों अपना दिल हार गए। बता दें कि कॉमन फ्रेंड के घर रुबीना और अभिनव की मुलाकात हुई। इस दौरान जब अभिनव शुक्ला ने रुबीना दिलैक का देसी अंदाज देखा तो वो फिदा हो गए। इस कपल ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, फिर साथ फेरे लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो हर उम्र के दर्शकों को खूब पसंद आता है। इन दिनों ये शो स्टारकास्ट को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि अभी तक कई कलाकार शो को छोड़ चुके हैं। ऐसे में मेकर्स ने हाल ही में कई नए कलाकारों की एंट्री कराई। अब पिछले कुछ समय से ये बज बना हुआ है कि दयाबेन शो में वापस कर रही हैं। फैंस भी दयाबेन की वापसी के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने कुछ वक्त पहले ही खुलासा किया था कि जल्द ही शो में दयाबेन की वापसी होगी, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि दयाबेन के कैरेक्टर में दिशा वकानी नजर आएंगी या कोई और। हालांकि दिशा वकानी कुछ वक्त पहले ही माँ बनी है, ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तो शो में वापसी नहीं करने वाली। शो में मेकर्स ने अब इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन भी शुरू कर दिए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कई नई एक्ट्रेस को ही शो में अब दयाबेन की भूमिका निभाते देखा जाएगा। मीडिया के माने तो इस कैरेक्टर के लिए ऐश्वर्या सखुजा का नाम भी इसमें शामिल है। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 हर साल की तरह इस बार भी खतरनाक स्टंट से लाइमलाइट बटोर रहा है। शो में जहां कुछ कंटेस्टेंट अपने जबरदस्त स्टंट से वाहवाही लूट रहे हैं, तो वहीं कई कंटेस्टेंट की तो हालत फाख्ता हो गई है।
शो का नया प्रोमो जारी हुआ है। इसमें राजीव अदातिया को शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने दिन में सपने दिखा दिए। कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम पेज से खतरों के खिलाड़ी 12 का लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित राजीव से कहते हैं, मेरी माँ हमेशा से कहा करती थी, खुली आंखों से सपना देखना, क्या आपको इसका मतलब पता है? इस पर राजीव बोलते हैं, आंखें खोलकर सपना देखना। इसके बाद रोहित उन्हें बुलाते हैं और उन्हें खुली आंखों से सपना दिखाते हैं। इसके बाद राजीव को चूहे के खतरों का सामना करना पड़ता है। ये देखते ही उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। तो ऐसे ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।